Okay, let us now move on to the next concept of your next section of real numbers. उसमें जाने से पहले हमको पहले एक रिजल्ट देखनी होगी, वो ये है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p डेफिनेटली a को डिवाइड करेगा. a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो a स्क्वायर क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. सी, a स्क्वायर मतलब कैसा नंबर होगा? 4, 9, 16, 36, 64, एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो अगर p प्राइम नंबर उसको डिवाइड कर रहा है, मतलब उसका फैक्टर है, तो वो p a का भी फैक्टर होगा, a को भी डिवाइड करेगा. फैक्टर होना, डिवाइड करना, इसका मीनिंग क्या है? ये देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2 divide 16, इसका मतलब 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो उसमें 2 दिखना है आपको, दिखेगा ही दिखेगा. दूसरी चीज़ ये कि अगर आप 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा. दो चीज़ें होती है, तो 2 divide 16 मतलब उसके दो मीनिंग होते हैं. 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 दिखेगा, और 16 के साथ 2 को डिवाइड करोगे तो आंसर, ये जो रिमाइंडर है, वो 0 आएगा. तो 16 का स्क्वायर रूट देखो क्या होता है, 4. 4 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 into 2. तो बिकॉज 2 उसमें दिख रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो? 2 divides 4. तो क्या समझ में आया यहाँ से हमको? इफ 2 divides 16, देन 2 also divides 4. इसका फॉर्मल प्रूफ देखते हैं. सपोज a एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप लिखो तो p1 p2 up till pn उसके प्राइम फैक्टर्स है. इसका अगर आप स्क्वायर करो तो यहाँ पे आएगा p1 square p2 square up till pn square. नाउ इट्स गिवन दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर. पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी इसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए अगर डिवाइड कर रहा है. तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? पी इज़ वन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है. अब ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है बताओ? यहाँ से अगर आप देखो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या है, p1 p2 pn, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स है p1 p2 pn. p1 स्क्वायर उसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, p1 स्क्वायर तो एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा. मान लो p1 का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, आप 4 एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर नहीं लिख सकते. तो स्टिल p1 p2 pn, इस इक्वेशन को देख के आप क्या लिख सकते हो? p1 p2 pn, यही प्राइम फैक्टर्स है ए स्क्वायर के भी. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर p1 p2 pn. अब पहला हमने स्टेटमेंट ये लिखा है कि p ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, और ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स ये है, n प्राइम फैक्टर्स है उसके. तो p डेफिनेटली क्या होना चाहिए? p इज़ वन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ p1 p2 up till pn. मतलब p1 p2 pn इनमें से कोई एक पी ही है, या पी इनमें से एक कोई नंबर है. ये p1 p2 up till pn जितने प्राइम फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ए जो कि था p1 p2 up till pn, इन सारे प्राइम्स का प्रोडक्ट, उसमें पी दिखेगा आपको, इसमें से कोई एक नंबर पी है. इसका मतलब ए के प्राइम फैक्टराइजेशन में पी दिख रहा है आपको, तो आप क्या लिख सकते हो? पी डिवाइड्स ए, क्योंकि पी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में है, तो p a को डिवाइड कर रहा है या डिवाइड करेगा. सी, बहुत सिंपली हम इसको देख सकते हैं. 36 इज 4 9 36. 4 को आप लिखो 2 square, 9 को लिखो 3 square. यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? 2 divides 36, क्योंकि फैक्टराइजेशन में दिख रहा है, तो 2 divides 36. अब स्क्वायर रूट ले लो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 3. यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? 2 divides 6. तो स्टेटमेंट्स को जोड़ दो, 2 divide 36 एंड देन 2 divide 6. सो इफ लगा लोगे अगर आप, इफ 2 divides 36 देन 2 divide 6, ये इम्प्लाई होता है अपने आप. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें अगर 2 का फैक्टर है तो उसके स्क्वायर रूट में भी आपको वो 2 दिखेगा ही दिखेगा. नेक्स्ट, ये थ्योरम उन्होंने देके रखा है, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, इसका प्रूफ. तो ऐसे टाइप के सम्स को कैसे टैकल किया जाता है? हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जाएंगे. हम लोग अज्यूम करेंगे कि रूट 2 इज रैशनल. रैशनल का मीनिंग क्या है? इट इज़ ऑफ द फॉर्म r अपॉन s, वेयर r एंड s आर इंटीजर्स एंड s इज डेफिनेटली नॉट 0. तो r और s इंटीजर्स है. चलो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं. तो क्या होगा?
इसका जो फॉर्म है वो हो जाएगा ए अपॉन बी, कि हमने आर और एस के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिलेशन के बाद ए अपॉन बी आ गया। अब क्या हो गया यहाँ पे, ए और बी को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर वन ही होता है, जैसे 2, 3 देखो, 5, 4 का रेशियो, 9, 7 का रेशियो, 2 और 3 के बीच में कॉमन फैक्टर कितना है? 1, एक ही कॉमन फैक्टर है वो भी 1। 5 और 4 के बीच में कितने कॉमन फैक्टर है? 1। तो 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 1, और 4 को क्या लिखोगे? 2 स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हो। देखो इनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना है? 1। ये 1 खुद उनके बीच में कॉमन फैक्टर है, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो अब क्या हो गया कि रूट टू ए अपॉन बी आ गया, एंड बी आर को प्राइम, उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही है। बी को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, बी रूट टू इज ए, स्क्वायर लगा देंगे, बी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर 2, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो? 2 दिख रहा है इसके फैक्टराइजेशन में, अगर आप ए स्क्वायर को देखो उसके 2 फैक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हो? 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। फिर वो रिजल्ट लगा दो जो थ्योरम हमने सीखा अभी, 2 विल डिवाइड ए। तो ये पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, वो हमने लिख दिया, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए। बिकॉज 2 ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए को आप क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स सम सी, कोई एक मल्टीपल सी, क्योंकि 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो उसके फैक्टराइजेशन में दिखेगा ही दिखेगा। तो मान लो ए का एक 2 फैक्टर हमने अलग कर दिया और बचे हुए फैक्टर सी लिख दिए, ये हम लोग क्या करेंगे? ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे ऊपर, तो क्या निकल के आ जाएगा? बी स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू 2 है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी ए का स्क्वायर क्या होगा? 4c स्क्वायर, यहाँ पे एक 2 कैंसिल आउट होगा, यू गेट बी स्क्वायर इज 2c स्क्वायर। यहाँ से देख के आप क्या लिख सकते हो? 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं उसके और एक है 2, तो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। फिर वो थ्योरम लगा दो, 2 विल डिवाइड बी। अब ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है और ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है, ये दोनों बॉक्स के रिजल्ट को कंबाइन करो, क्या लिख सकते हो? क्या दिख रहा है यहाँ से? 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितना है? 2 आ रहा है, दोनों ए और बी को 2 डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर आप ए का फैक्टराइजेशन देखो, बी का देखो, दोनों में 2 दिखने वाला है, तो कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है। बट हमको पता है उनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना था? 1 था, तो ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि हमने अजम्पशन गलत लिया है, कि फैक्ट ये था कि उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 था, या 1 ही है उनके बीच में कॉमन फैक्टर, बट हमारी अजम्पशन की वजह से और सॉल्व करने के बाद हमको ये मिल रहा है कि ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट अजम्पशन, ये आपको लिखना है। देयरफॉर जो हमारी अजम्पशन है वो गलत है, कि रूट टू रैशनल, ये अज्यूम करना ही गलत है, इसलिए रूट टू क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर है। ऐसा ही अगला सम है, हमको प्रूव करना है रूट थ्री इज इरेशनल। फिर हम लोग अज्यूम करेंगे रूट थ्री इज ए अपॉन बी, ए एंड बी आर को प्राइम। अब डायरेक्टली इसी स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि ए और बी मान लो वो रैशनल है, तो रैशनल होने का मीनिंग क्या है? ए अपॉन बी फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, और ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर्स है। बी को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, बी रूट थ्री इज इक्वल टू ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, ऐसे टर्म्स आएंगे। यहाँ से क्या देख सकते हो? 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये लिख लेंगे। फिर वो थ्योरम लगाएंगे, 3 डिवाइड्स ए, इसको आपको लिखना है रिलेशन, लेट से ए, बिकॉज 3 ए को डिवाइड कर रहा है तो ए को आप लिख सकते हो 3 टाइम्स सी, उसको फैक्टराइज कर दिया हमने, 3 का एक फैक्टर अलग कर दिया, और इसको हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बी स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए है 3c, तो 3 स्क्वायर c स्क्वायर, ऐसे टर्म्स आएंगे। एक 3 दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा, यू गेट बी स्क्वायर इज 3c स्क्वायर। यहाँ से क्या आता है? 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 3 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और फिर वो थ्योरम अगर आप लगा देते हो, 3 विल डिवाइड व्हाट? बी। तो इसको आप रिलेशन बी लिख दो, ए और बी को कंपेयर करो, 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो लीस्ट फैक्टर उनके बीच में कितना दिखने वाला है आपको? 3 दिख रहा है आपको, कॉमन फैक्टर 3 दिख रहा है, बट लीस्ट पॉसिबल कॉमन फैक्टर कितना है ए और बी के बीच में? क्योंकि वो को प्राइम है, तो कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, बट हमको यहाँ पे 3 मिल रहा है जो कि 1 से ग्रेटर आ रहा है,
तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत है, ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। देयरफॉर रूट थ्री क्या है? रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। अब एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं, उसके दो या तीन सम्स हम लोग देख लेते हैं। इजी एक्सरसाइज है ये आपको। लेट्स से सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 3 + 2√5, ये इरेशनल हमको प्रूव करना है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है। रैशनल मतलब उसका फॉर्म होगा a अपॉन b। 3 को हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2√5 इज a अपॉन b माइनस 3। यहीं से डायरेक्टली आप देख सकते हो, ये देखो a और b ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। और इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा? वो भी एक रैशनल नंबर होगा। बट लेफ्ट हैंड साइड का टर्म क्या है? रूट फाइव। सी ए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रूट ऑफ एनी प्राइम इज इरेशनल। तो रूट के अंदर प्राइम नंबर दिख रहा है, ये इरेशनल है। इरेशनल इंटू रैशनल इज इरेशनल। तो लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है, राइट हैंड साइड एक रैशनल नंबर है। रैशनल इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है? ये जो फैक्ट होता है कि रैशनल और इरेशनल अनइक्वल होता है, ये फैक्ट है, और हमको इक्वल टू मिल रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत है। अजम्पशन मतलब ये रूट थ्री इज रैशनल, ये अजम्पशन गलत है। इसका मतलब सही फैक्ट क्या है? कि ये इरेशनल है। ऐसे टाइप के सम्स भी है, 7√5 इज इरेशनल, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग फिर वही करेंगे, 7√5 इज ए अपॉन बी रैशनल हमने एज्यूम कर दिया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? रूट फाइव इज इक्वल टू, 7 को नीचे शिफ्ट कर दो, ए अपॉन 7b। अभी ए अपॉन बी रैशनल है, ठीक है, मतलब ए इंटीजर होगा, बी इंटीजर होगा, 7b इंटीजर है। तो इंटीजर इंटीजर एंड दिस इज ऑल्सो इंटीजर, ये इंटीजर्स का एक इंटीजर्स को बनाया गया एक नंबर है। ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो ये क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। सो राइट हैंड साइड इज रैशनल एंड लेफ्ट हैंड साइड इज नोन फैक्ट दैट दिस इज इरेशनल। इरेशनल रैशनल इक्वल आ रहा है। क्यों इक्वल आ रहा है? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत है। ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, बट हमको इक्वल मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमने अजम्पशन गलत किया है। तो ये गलत है, 7√5 रैशनल नंबर जो हमने लिखा है वो गलत है। इसका मतलब 7√5 क्या होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए।